सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है भाई। आज 2024 में आपका पहली बार मैं स्वागत करता हूँ। अभी हाँ, मैंने सुबह नहा लिया, मतलब नहा धो के इतनी ताजगी आ रही थी शरीर में कि मैंने सोचा इस ताजगी को कम करने के लिए कुछ किया जाए। मैं लग गया स्टोर रूम साफ करने, मतलब मैं करने वाला नहीं था वैसे, बट करते 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 पूरी सफाई करनी पड़ी। और देखिए वहाँ बल्ली वगैरह भी थे, जो तख्ते बल्ले होते हैं, यहाँ मेरे पैर में लग गई। और देखो मेरे लेबर वाले हाथ देखो, और ना मस्त। और अभी आज का क्या प्लान है मैं बताऊंगा। अभी सुबह तो नहा लिया मैंने, नहा के दिया व्याज ला के, झाड़ू वगैरह सब कुछ करके, तो उसके बाद वहाँ स्टोर रूम में कुछ सामान लेने गया, देखा वहाँ सब कुछ गंदगी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो सफाई कर लेते हैं यार। फिर अभी अब बच गए 11, अभी नाश्ता भी नहीं किया यार, देख लो डेडिकेशन। अभी वैसे इसका काम भी करना है मेरे को, क्योंकि शादी के टाइम पे जल्दीबाजी में हमने इसको नहीं किया। एक्चुअली इस पर पुट्टी की गई है जिसे घिसना पड़ता है और इसको बराबर करना पड़ता है, फिर इसमें स्वेद पेंट लगेगा। मगर मैं सोच रहा हूँ आज करूँ, मगर यार 2023 में भी आलस था मुझे, आज भी आलस ही है। मैं चाहता नहीं कि मुझ में आलस रहे, मगर इसे मैं बाद नहीं करूँगा यार, इसे बाद नहीं करूँगा। फिलहाल नहा लेते हैं, गीजर ऑन है, कब से गर्म पानी हो गया होगा। और ये देखिए काफ़ी धूल ही धूल हो रही थी यार, पैर में भी लग गए तो। और बाकी हम अभी थोड़ा आपसे वहाँ, मतलब नहाने नहा के आने के बाद बात करेंगे। और देखिए यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ आग जल चुकी है। और देखिए लंच का, लंच बनाने की तैयारी चल रही है घर में। और मेरा जो अभी मैंने मैंने भी नाश्ता भी नहीं किया। और देखिए ऐसे मतलब एक थंबनेल अच्छा होना चाहिए यार, तो करना पड़ता है यार ये सब, एक यूट्यूबर की लाइफ में एक कंपलसरी है। और देखिए एक शीशा यहाँ भी है गंदा वाला, इसमें हम अपना शक्ल दिखा देते हैं आपको। ये मम्मी को मम्मी के दहेज में मिला हुआ वाला है दहेज में मम्मी को ऐसे वाला शीशा मिला था, ठीक है। तब जब मम्मी दहेज लिए, जब पुराने ज़माने में दहेज लिया करते, आजकल तो कौन लेता है यार दहेज, ठीक है। ऐसे नौटंकी करते रहता हूँ मैं, चलो नहा लेते हैं भाई। तो देखिए दोस्तों, अभी जो तुम्हारा भाई है ना, यानी कौशल बोला, वो भी नहा के आ चुका हूँ। तो और मैंने सुबह से जो है नाश्ता किया नहीं था, तो अब नाश्ता भी करना है। अब अगर आपको यकीन ना हो रहा कि मैंने नहाया नहीं है, तो वो देखिए सुबह का और अभी का, ठीक है समझ गए। तो अभी नाश्ता करते हैं, दो वक्त का जो हमें नाश्ता मिलता है घर में, थोड़ा बहुत काम करके दो वक्त का, एक गिलास दूध और थोड़ी सी सब्जी और एक रोटी जो मिल जाती है हमें, उसको हम ग्रहण करते हैं, उसके बाद काम करते हैं। और मम्मी अभी खाना बना रही है। अच्छा है कि मम्मी आजकल छुट्टी है, तो मम्मी घर में रहती हैं, मतलब घर में क्या काम वाम करने का ज़्यादा कम करना पड़ता है मुझे, तो यहाँ वैसे ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं होती हैं, बस 15 दिन की छुट्टी होती है। अकॉर्डिंग टू माय मैथ्स के टीचर, जब वो इंग्लिश पढ़ाते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे यहाँ ठंडियाँ कम होती हैं, मतलब ठंड जो है कम होती है, उतनी नहीं होती, तो इस वजह से यहाँ ठंडी के 15 दिन की छुट्टी होती है और गर्मी की जो होती है 1 महीने की छुट्टी होती है। तो इतना ज्ञान काफ़ी है, अभी खाना हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी मैंने खाना भी खा लिया है, और एक बात तुम्हें बोलना भूल गया सभी को, यह जो 2024 वर्ष लगा है, अंग्रेजी 2023 नहीं यार, अंग्रेजी 2024 वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि अंग्रेजों वाला ही होता है जो हिंदू वाला है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिल में जगह हिंदू नववर्ष के लिए, मैं इसे उतना मान्यता नहीं देता। मगर भले हम अकॉर्डिंग टू 2024 के चलते हैं, सभी जगह 2024 वगैरह सब लिखते हैं, बट तो वैसे मेरे दिल में जो जगह है ना 2024 2080 के लिए, वैसे 2000 भी ऐसे चल रहा है हिंदू वर्ष के हिसाब से। अब जो हमारा जो आएगा वो अप्रैल में, 9 अप्रैल को आएगा शायद, तो मैं उसे ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा। और चलो अभी हम 2024 के अकॉर्डिंग चले रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2023 का जो वर्ष रहा हमारा, मेरा
अच्छा रहा, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मतलब ये जो साल था ना, पिछले जो 21-22 ऐसे थे, वो साल में मतलब ऐसे पता नहीं चलता था कि, मतलब कहने का मतलब कि साल इतने जल्दी चला जाता था, पता नहीं चलता था। मगर जो था 2023 जो था, ये साल मैंने काफ़ी जिया है, मतलब जिया इन द सेंस कि मैंने हर मतलब काफ़ी इन्जॉय से इन्जॉय किया है इस वर्ष से। मतलब मेरा ऐसा वाला हिसाब है ना, मैंने बहुत ज़्यादा सोचना कम कर दिया है, काफ़ी बुरी आदतों को भी मैंने अवॉइड किया। काफ़ी बुरी आदतें मैं अभी अवॉइड नहीं कर पाया हूँ, जैसे सबसे पहले है आलस। आलस, काश मेरी ज़िंदगी से मैं आलस निकाल पाता। आलस सोने वाला नहीं यार, आलस ये वाला कि जैसे कोई काम करना होगा, मैं उस काम को तुरंत, एक होता है कि तुरंत कर देना ना, चलो करता हूँ, एक होता है कि थोड़ी देर बाद करूँगा यार, वो थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ये आलस मैं कम नहीं कर पाया हूँ। वैसे आज 2 तारीख है, तो 2024 में जो मैं पहला जो मैं अपना काम करने वाला हूँ, वो है मैं अपने आलस को दूर करने वाला हूँ, थोड़े अपने स्किल्स पे काम करूँगा, अपने आप को अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। और जो 2024 में मैं 23 में जो मैं अचीव नहीं कर पाया हूँ, उसे मैं 2024 में अचीव करने की कोशिश करूँगा। और थोड़ी बहुत मैं सब्सक्राइबर भी गेन करने की कोशिश करूँगा, मतलब ग्रो अपना चैनल ग्रो करने की कोशिश करूँगा, जैसे ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और जैसे ज़्यादा बस वीडियो ही नहीं बनाऊँगा, अपने जो भी वीडियो के अलावा है, यूट्यूब के अलावा और जो भी है, सब चीज़ों पे बैलेंस अब बना के चलूँगा। अभी मैं जोश जोश में नहीं कह रहा हूँ, भले ही बहाने से ही मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल धूप अच्छी आई है तो सो जाते हैं, भले आलस यार, आलस के गए, आलस को भी देख लेंगे, थोड़ी देर पहले सो जाते हैं। कुर्ते भी जो है हमने धूप में डाल लिए हैं, मतलब धूप में क्या, कल धोए हुए थे, मतलब एक्चुअली इसको हमने पहले ही धो देना चाहिए था, मगर इसको हमने कल ही धोए, जैसे शादी हुई है तो इतना धोने की ज़रूरत नहीं थी। मगर मैं एक रील्स बनाने की कोशिश, मतलब सोचा था मैंने एक रील बनाने की, बट जो हमारे अंदर का जो आलस का जो कीड़ा है, उसकी वजह से मैं बना नहीं पाया। अब बनाऊंगा बनाऊंगा करके तभी मैं इसे धो भी नहीं पाया। मैंने कहा चलो यार छोड़ो, अब धो ही लेते हैं। और कमेंटे करके बताना यार कौन सा ज़्यादा, इसको नहीं, इन तीनों में से बताना है, बस ये इन तीनों में से बताना है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा कुर्ता लग रहा है। ये मेरे भाई का है, ये मेरा है, ये बीसी का। तो अभी शाम हो रखी है और हमारे यहाँ पे आए हुए हैं बच्चे। और ये क्या क्या खा रहे हो बच्चे, क्या खा रहे हो? नमकीन, चखना विदाउट दाल, खाली चखना ले रहे हैं ये। अच्छा तो तीनों अपना नाम बताओ एक एक करके, फर्स्ट में आप बताओ। दिव्यांशु सिंह। अच्छा आपका नाम? आरव सिंह। आपका नाम क्या? खड़क सिंह। अच्छा अनविक सिंह। अच्छा खाओ फिर खाओ, क्या खा रहे नमकीन? हाँ। अच्छा पर हमारे यहाँ आज चंद प्रधान जी भी आए। ए रुक जा यार, चमक नहीं रहे, चमक रहे हैं, इधर देखो प्रधान जी, ये देखिए घर पहुंच गए। 7 दिन का ट्रिप था इनका, ट्रिप में गए थे, 15 दिन का ट्रिप थे, ट्रिप में थे, अभी फिर से ड्यूटी में गए हुए थे आज। तो इनका चल रहा है चखना, अभी अभी बस चखना खाना सीखो तुम, बाद में बाकी बात सिखाएंगे। व्लॉग मेरे, मैं आपके व्लॉग देखता हूँ। अच्छा। आपने उसमें नाम लिखा है कौशल बोरा। रोज डेली मतलब हर व्लॉग देखते हो? जब फोन मिलता है कभी कभी तब देखता हूँ। अच्छा। वैसे तो मम्मा ही देखती है। तो कैसे लगते हैं? अच्छे। अच्छा विनीता मौसी का भी देखता हूँ, उसमें एक बार भावना मौसी का बर्थडे था। हाँ। नंदू मामू बहुत शैतान है इसलिए वो 2 समोसे उठा के चले गए। अच्छा नंदू मामू इसकी तरह शैतान है ना, अपने भांजी की तरह अपने भांजी की तरह शैतान है ना नंदू मामा तेरा? ये मेरा कॉपीकैट है। अच्छा ये कॉपीकैट है, है? आप क्या क्या कॉपी कर रहे हैं आपका? ये मेरा दोस्त है। दोस्त है भैया? अच्छा और ये नहीं है दोस्त, ये भी दोस्त है, है? दोस्ती कर ले भी उससे। अच्छा दद्दा तो आरो का दोस्त है फिर मैं उसका
अपने दोस्तों के नाम बता दो स्कूल के। अच्छा बड़ों का मेरा बनेगा अच्छा। हाँ और उसमें एक ऐसा रेसिंग भी है जिसमें दूसरों से रेस करते हैं। एक बार फर्स्ट आया, पांच बार सेकंड आया, दस बार थर्ड आया। बता। और लूडो में तो मैं कॉइंस भी जीत ले, 24 कॉइंस। लूडो में तो मैं हारा एक बार फोन में। मैं तो हारता भी नहीं लूडो में। दस कॉइंस। एक बार मेरी मम्मा है, एक मैं बार तो 24 कॉइंस जीत ले। एक बार लूडो में फर्स्ट आया, एक बार मैं तो 100 बार आया। अब बोलो एक बार तो मेरा भाई आया, 1000 बार में आया। झूठ मैंने नहीं बोला। झूठ नहीं बोलते है ना। इधर प्या, यहाँ पे छाया आ रही है। मैंने भी निकाला है। मैं तो चेस का चैंपियन हूं, सच्ची बोल रहा हूं। चेस का चेस 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 तो क्या होता है? क्योंकि ये तो मेरे दोस्तों ने मुझे सिखाया, मुझे तो खुद ही नहीं आता था। मैं तो सीखने भी लग गया। अनिक क्यों सर मारा है यार अभी? कैसे मारा? दादा से मारा है। क्या बोल रहे हैं? मैं कहा सर मारा हूँ, दद्दा सर मारा है। तो आरो अब आप दोनों में दोस्ती हुई नहीं? हो गई थोड़ी 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 होगी ना। हाँ। आरो हुई नहीं? नहीं। थोड़ी थोड़ी हुई ना। आरो ए आरो आरो इधर तो देख फिर एक बार। सर मारा होगा। अरे सर मारा। हाँ तभी दोस्ती तो अभी हंस रहा था ना, सर मारा है। चलो कोई नहीं, हुई नहीं दोस्ती थोड़ी थोड़ी सी भी? नहीं हुई। मुझे थोड़ी थोड़ी हुई। हाँ इसकी तरह से थोड़ी थोड़ी हुई। ये भी तो ही हुई। मुझे पता है मैं किससे दोस्ती करता हूँ। जो मेरे से थोड़ा सा भी बात करता है, मैं जिसे थोड़ा सा भी बात करता हूँ, छोटा सा दोस्त बन जाता हूँ। अच्छा। अगर हर दिन बात करते हैं तो उसका पूरा दोस्त बन जाता हूँ, जैसे वो अंशुल। तो आरो आरो आज ही दोस्ती करनी है? आज करेगा नहीं है? मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि तुमने खट्टी टॉफी खाई है। तो वो कह रही कि आप मम्मी का ध्यान नहीं रखते हो। मैंने खट्टी टॉफी खाई है।